So basically 1411 is like a dream come true project for me. So this concept is like 8 years of thought in my head and 7.5 months of execution of what you are actually watching it right now. This is like a baby project for me. After my graduation, I wanted to have some place like this. So this is a speakeasy, not actual speakeasy, but a casual speakeasy bar, which you don't have in the town right now. So yeah, it is like a dream come true. That's what I can say. सो बेसिकली ये थीम जो है वो एक स्पीक इजी बार जो रहता है, जो 1960 का जो प्रोहिबिशन एरा था अमेरिका में, तभी बहुत सारे इलीगल बार जो बेसमेंट में बने थे उनको स्पीक इजी बार ये टर्म दिया जाता था. सो वो बहुत बहुत कम है मुंबई में, ना के बराबर है. सो दैट इज द एंटायर कंसेप्ट दैट we have brought it over here. So it is not an actual speakeasy bar, but it is more of a casual kind of concept. And my audience, we would like to just mention, we want to target people young at heart, young at age, and you know, young in the terms of the element fun. Basically all the time. All the time. Whoever wants to have fun, you can come here. We'll make sure that you guys have fun. Yeah. Cuisine, so basically it is a global, this concept has a global cuisine and crafted in a unique fusionized way. So for that, you should have to come here to taste it, so you can have an idea what exactly and how great the cuisine is. Okay. And there are very different types of cocktails, by the way. They are very unique, handcrafted cocktails by our mixologist over here. So I'm hoping that everybody over here who are watching this, please do come visit 1411 Bar and Kitchen at Bilipal Hills. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you. Ali Salmon, I congratulate the team of 1411 for this awesome place in Bilipal East. I think Bilipal East ko 1411 ki zarurat thi. I have been visiting their first brand greenhouse for many years. Allah ki shaan hai aur main bahut khush hu. I'm very happy that they have come up with this beautiful place, and I'm soon going to taste the amazing food over here. I've heard a lot about the cuisine of 1411. So I request all the foodies to come and try 1411. The way they have maintained the class of greenhouse for so many years, I'm very sure that 1411 is going to be a step ahead. Thank you. महाराष्ट्रामध्ये एक मराठी उद्योजक आपलं एक विश्व निर्माण करतो, आणि त्याच्यापैकी एक प्रमुख नाव म्हणजे मुकेश शिपूरकर आणि गौरी शिपूरकर. आज गेले अनेक वर्ष पार्ल्यामध्ये ग्रीन हाऊस नावाने त्यांचे रेस्टॉरंट, त्यांचं जेवण मुंबई भर प्रसिद्ध आहे. जेवणाकरता अख्ख्या मुंबईतलं खाण्यातलं लोक इथे येतात, आणि आज त्यांची भव्य मोठी वास्तू 1411 1411 ही उभी राहिलेली आहे. आणि विशेषतः पार्ल्याच्या सगळ्या एकंदर वातावरणात एखादा 1411 सारखा असं एक रेस्टॉरंट उभं राहणं ही एक गौरवास्पद गोष्ट आहे. आणि जो काही अँबियन्स, आणि नुसतं फूड तर आहेच, बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत, पण 1411 अगदी मायन्यूटली केलेलं जे काही डिझायनिंग, इंटिरियर डिझायनिंग आहे ते बघायला जरूर या. एक फॅमिली रेस्टॉरंट एका मराठी माणसाचं, तुम्ही जरूर या. मी नेहमीच त्यांच्या आधीच्या रेस्टॉरंटला जेवायला यायचो, आता 1411 हा माझ्या एका कुटुंबातला भाग असल्यामुळे मुकेश आणि गौरीशला माझ्या प्रचंड शुभेच्छा आहेत. आणि असेच नवनवीन मराठी उद्योजक उभे राहिले, त्यांनी नवीन नवीन मुलांनी मुकेश शिपूरकर आणि गौरी शिपूरकर यांचा आदर्श ठेवला पाहिजे, त्यांच्याकडे बघितलं पाहिजे. शून्यातनं एक माणूस जेव्हा उभा राहतो आणि एवढं भव्य दिव्य एखादं स्वप्न पूर्ण करतो, मला असं वाटतं हे स्वप्न पूर्ण नाही तर ही स्वप्नाची सुरुवात आहे. त्यांना सगळ्यांना माझ्या खूप शुभेच्छा. प्लेस
बिरला ईस्ट में इतना बड़ा इतना ह्यूज रेस्टोरेंट खुला है, इट्स अ बिग थिंग। वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं बट अभी तक मैं अंदर नहीं गई हूँ तो मैंने अंदर का इंटीरियर नहीं देखा, बट बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आई एम श्योर अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत होगा और खाना और एम्बियंस और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सो ऑल आई कैन से राइट नाउ ऑल द बेस्ट एंड ये जगह बहुत चले और हम लोग भी इसको बताएंगे सबको अपने यू नो फैमिली फ्रेंड्स को कि प्लीज डू विजिट हियर। सॉरी पूड़ी, पूड़ी यार हमारे केस में पूड़ी तो नहीं हूँ क्योंकि हमें डाइट करनी पड़ती है, बट हाँ पंजाबी हूँ तो जब खाना खाती हूँ तो बहुत अच्छे से खाती हूँ। तो अच्छा खाना होना चाहिए, सिंपल हो या बहुत सारा स्टाइलिश हो लेकिन खाना बहुत अच्छा होना चाहिए तो मज़ा आता है और पब्लिक भी वहीं जाती है जब खाना अच्छा होता है, मानते हैं ना इस बात को, चाहे महंगा हो सस्ता हो खाना अच्छा होना चाहिए। आगे एक बाइट और दूंगी, खाना कैसा लगा? बाइट और की कसम, मैं खुद पार्लेकर हूँ और इस जगह से इस फैमिली से कई सालों से ताल्लुकात रखता आया हूँ और यहाँ के खाने से मैं वाकिफ हूँ। ये अभी रिनोवेट हुआ है, नया 1411 खुला है लेकिन ग्रीन हाउस, उसके शेफ, उसका खाना कई सालों से खाता आ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे दोस्त और उसकी फैमिली एक ऐसा जॉइंट खोल रहे हैं तो दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे, खाना खाएंगे, इस माहौल का लुफ्त उठाएंगे, मज़े करेंगे और भरपेट दुआएं देकर यहाँ से जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। जय महाराष्ट्र। मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वेब सीरीज आ रही है, मेरे प्लेज आ रहे हैं, मेरी फिल्में आ रही है तो मराठी फिल्में अगर आप देखते हो, मराठी नाटक देखते हो तो मुझे देखने के लिए आपको थिएटर में आना होगा। मेरी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है एक नंबर, एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है समसारा, दोनों अलग किस्म की फिल्में हैं, एक सस्पेंस थ्रिलर है और एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, बड़ी बड़ी फिल्में हैं तो शायद इस साल ये रिलीज हो जाएंगी तो आप इसे ज़रूर देखना। थैंक यू। खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि खूप छान ॲम्बियन्स आहे याचा आणि मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी याचा आस्वाद घ्यायला पाहिजे आणि आमच्या मित्राचे हॉटेल आणखी जोरात चालेल, आमचे खूप सारे मित्र येत आहेत। सो 1411 यासाठी माझ्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा। अच्छा मेरे मेरे प्रोजेक्ट्स तो बहुत है, अभी पतिपत चंद्र आएगा तो तेजाब सरफर बहुत कब से काम कर रहा हूँ। सो ब्रोकन न्यूज अभी मेरी सीरियल आई है जो वेब सीरीज है वो अभी सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है वो है और काफी फिल्में हैं तो आएंगी। हिंदी फिल्में काफी है, आने वाली तो अभी टाइम है लेकिन बाकी बेबी, सरफरोज, मकबूल, बहुत सारे फिल्में मैं कर चुका हूँ। हाँ तो ये बहुत ही इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड प्लेस फॉर एवरीबडी टू कम एंड मैं तो अभी अंदर जाने वाली हूँ, आने के बाद जरूर बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। एंड डू फॉलो मी एट भावना अग्रवाल ऑफिशियल। तो गाइज आई थिंक सब लोगों को विजिट करना चाहिए 1411 बार एंड किचन, नया खुला है, अभी हम लोग अंदर जाएंगे तो देखते हैं कैसा माहौल है, आपको जरूर हम लोग फीडबैक देंगे। डू वॉच ऑन आवर स्टोरीज, थैंक यू सो मच। 1411 बहुत ही स्पेशल जगह है एंड पहले यहाँ पे ग्रीन हाउस जो रेस्टोरेंट था वहाँ से हमने इतना ज्यादा खाना खाया है सो टेस्ट और टेस्ट में बेस्ट आई थिंक और अब वाइब पे भी बेस्ट हो गया है। आई थिंक विले पार्ले को जरूरत थी इतने एक सुंदर जगह की जहाँ पे आपको वाइब ऐसे मिले जहाँ पे पार्टी भी कर सकते हैं और होमली खाना भी मिले और आई थिंक अब बैंड्रा और जू से लोग विले पार्ले आएंगे जस्ट टू एक्सपीरियंस 1411। यस एंड अभी हमारा भी सबसे फेवरेट जॉइंट यही होने वाला है, हम अंधेरे से यहाँ आके पार्टी करने वाले हैं बिकॉज ये हमारे घर जैसा,
So all the best to Gargi and Surya and to the entire team. पार्टी करने वाले हैं लोगों को भी रेकमेंड करेंगे. हाँ मेरे अभी 25 दोस्त और आने वाले हैं आज पार्टी करने and we'll make sure कि हमेशा आते रहें. Yes. And आज की फ्री की पार्टी नहीं पेड़ पार्टी भी करेंगे. कुछ नए म्यूजिक के बारे में बताइए जिस पे काम चल रहा है. अभी 3 दिन में नई न्यूज दूंगा मैं आपको. यस यस नहीं आना आप खुद ही मेरे को बोलोगे. आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट बट अभी बहुत सारा म्यूजिक आ रहा है. ऐश्वर्या के लिए खुद के सिंगल्स आ रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव सतरंगा के लिए आप सबने जितना भी प्यार दिया है. यस वेरी ग्रेटफुल. आप कितनी बार सुनते हैं सतरंगा? हम गाने रिलीज होने तक ही सुनते हैं. एक बार रिलीज हो जाता है उसके बाद जनता सुनती है फिर हम तारीफ सुनते हैं. अगर अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे तो आगे गाने बनाते हैं. नहीं हम अपना म्यूजिक क्योंकि हम जब गाना दे रहे होते हैं तो हमको भी मेक श्योर करना पड़ता है कि सब बेस्ट साउंड दे रहे हैं. हम अपने गाने भी बहुत सुनते हैं बट साइड बाय साइड क्या नया चल रहा है मार्केट में इंटरनेशनली वो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है. मैं अरिजीत सिंह को बहुत ज्यादा सुनता हूँ. यस एंड सोनू निगम को बहुत ज्यादा सुनता हूँ. इंटरनेशनल आर्टिस्ट है टेलर स्विफ्ट है एड शीरन है उनके गाने भी बहुत सुनता हूँ. थैंक यू. फूड भी अच्छा ही होगा एंड यू नो पांडा ईस्ट हैज अ वेरी गुड पार्टी प्लेस ना सो आई कम मोर ऑफन एंड पार्टी. अच्छा लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है. हाँ हाँ डेफिनेटली अभी कहा ना जैसे कि मैं आई कम मोर ऑफन जैसे लाइक पाला ईस्ट में इतना ट्रैवल नहीं करते बट आफ्टर वॉचिंग एंड फीलिंग दिस वाइब इज सो ग्रेट दैट ऑब्वियसली. देखो वाइब तो अच्छी है एम्बियंस अच्छा है टेस्ट अच्छी है. खाना ट्राई नहीं किया मैंने अभी तक. आई जस्ट ट्राई नाउ इसके बाद देखते हैं. आई एम श्योर वो भी अच्छा ही होगा एंड देन आई विल रेकमेंड एवरीथिंग. थैंक यू. नहीं जगह तो बहुत बढ़िया है यार. मतलब मैंने ऐसे मतलब मैं तो कांदिवली बोरिवली साइड वाला बंदा हूँ. पार्ला में इतनी अच्छी जगह इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी है हाईवे के पास है एयरपोर्ट भी पास में है तो बहुत बढ़िया एम्बियंस रहा तो बहुत ही कमाल का है. मतलब इस पर मतलब मैं सोचता हूँ कि बहुत ही कमाल का फीडबैक आएगा लोगों का. यस खास लगा इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. हाईवे के पास भी है स्टेशन भी है आई थिंक एयरपोर्ट भी पास में है. मुंबई में ऐसा मिलता नहीं है ऐसी जगह और इतनी बढ़िया जगह ये बनाई है ये बहुत बढ़िया. थैंक यू. मेरा करियर मैं तो बहुत जवान हूँ और करियर अभी भी चालू ही है. म्यूजिक नहीं म्यूजिक में 5 म्यूजिक वीडियोस हो गए हैं 150 लाइव शो. महेश भट्ट ने मेरा पहला गाना किया था. सुखविंदर सिंह के साथ 40 शो किए खुद के 100 शो किए. अब मैं मूवी बना रहा हूँ उसमें. सो विच इज हैविंग अ गुड टाइम. सब कुछ अच्छा ही चल रहा है. मेरी माँ खुश है मैं खुश हूँ और आई लव इंडिया. दैट्स इट एंड थैंक्स टू शान कुरैशी माय ब्रदर. हाय शान एक सवाल तो आज एक टाइम सामने दिस इज द मैन द मैन ऑफ द आवर. होली भी किया था वेरी गुड गाइस ऑल द बेस्ट टू माय फ्रेंड्स एंड आई विश द बेस्ट टू दिस प्लेस आल्सो. थैंक यू गाइस थैंक यू मीडिया.